नमस्कार मित्रों, मैं राजू त्रिपाठी भाग दो के साथ पुनः उपस्थित हुआ हूँ। हमारे पाठ का नाम है रुचियों का ज्ञान भान। हम भारत के महान नेता लाल कृष्ण आडवाणी, जनता पार्टी के लीडर के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, तो आगे हम पढ़ेंगे। मैं स्कूल में एक शरारती विद्यार्थी नहीं था, परंतु जब वर्ष 1943 में हम हैदराबाद में थे, तब अपनी दादी माँ के साथ एक शरारत की थी। बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे हमें ये जान लेना आवश्यक है, क्योंकि हैदराबाद कहाँ, तो यह हैदराबाद सिंध प्रांत का एक छोटा सा शहर है जो पाकिस्तान में है। प्रेजेंट टाइम में जो हैदराबाद है तेलंगाना का, वो दूसरा है, ठीक है। तो ये 1943 में जब हैदराबाद में रहते थे, तो इन्होंने एक शरारत की थी। वो क्या की थी, आगे देखते हैं। तब अपनी दादी माँ के साथ एक शरारत की थी। सिंध के उस भाग में गर्मी के महीनों में पारा बहुत ऊपर चला जाता था, और महिलाएं अपने घरों के आहतों में पारंपरिक झूलों पर सोती थीं। मुझे याद है कि एक बार तापमान 119 फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया था। दोपहरी में मेरी दादी हाथ में पंखा झलकर खुद को ठंडक पहुंचाती और सोने के उद्देश्य से ऊँघने लगती थी। ऊँघना अर्थात सोने का प्रयास करना, ठीक है, अर्ध निद्रा होती है ऊँघना, ठीक है। वो जब ये जो है हैदराबाद में थे, उस समय जो है इतनी गर्मी पड़ती थी कि तापमान 119 फ़ारेनहाइट पहुंच जाता था, अर्थात बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी। और इनकी दादी जो थी, बरामदे में जो है एक झूला होता था, उस पे जो है लेटकर और ऊँघती और हाथ में पंखा लेके झलती, मतलब पंखे से जो है हवा अपने आप को करती थी, ताकि उन्हें नींद आए, ऐसा प्रयास करती थी। आगे देखते थे बच्चों। उस दिन वह सोने की ही वाली थी कि मैंने चुपके से पंखा उनके हाथ से छुड़ा लिया और उसके स्थान पर उनके हाथ में एक दातुन पकड़ा दी। कहते हैं आडवाणी जी कि उस दिन जब वह सोने का प्रयास कर रही थी पंखा लेकर, कि उनका उद्देश्य था पंखा के लेकर सोने का, कि पंखा झलने से जो है उन्हें नींद आए, तो उनके हाथ से जो है पंखा आडवाणी जी ने धीरे से जो है ले लिया और उनके हाथ में जो है दातुन पकड़ा दी। उनका हाथ पहले की तरह चलता रहा, परंतु जब उन्हें ठंडक नहीं मिल रही थी, वह अचानक जाग गई और मेरी शरारत पकड़ी गई। उस दिन वह मुझे बहुत नाराज़ हुई। अपना कृत्य मुझे खुद बुरा लगा, और ऐसी शरारत मैंने दोबारा किसी के साथ नहीं की। ठीक है बच्चों, इन्हें बहुत बुरा लगा कि जो ऐसी शरारत इन्होंने अपने दादी जी के साथ किया था, और ऐसा जो है आचरण, ऐसा व्यवहार जो है इन्होंने फिर कभी किसी के साथ नहीं किए। आगे देखते हैं। स्कूल जाना मुझे कभी उबाऊ नहीं लगा। आजकल के बच्चों को तो स्कूल दो दिन ना जाना पड़े तो कितने खुश हो जाते हैं। और एक लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, देखो कि जी, उन्हें कभी भी स्कूल जाना बोरिंग फील नहीं होता था, उन्हें उबाऊ नहीं लगता था, उन्हें स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता था। इसलिए मैं उस प्रकार का विद्यार्थी नहीं था जो किसी अनपेक्षित छुट्टी की वजह से स्कूल बंद हो जाने पर खुशी से नाच उठते हैं। फिर भी साल में एक मौसम ऐसा आता था जब स्कूल बंद होने पर मौज करने की अपनी बाल सुलभ प्रकृति को मैं रोक नहीं पाता था। बाल सुलभ प्रकृति यानी जब हम बालपन में होती हैं, उस समय जो हमारी कृतियाँ होती हैं, जो हम आचार व्यवहार करते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों का हमें उतना ज्ञान नहीं होता है, या संक्षिप्त ज्ञान होता है, ठीक है। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, थोड़ा मायूस होके जाते हैं स्कूल जाते समय, और जब उधर से स्कूल से छूटते तो कितने खुश रहते हैं, कितने मगन रहते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है कि आज के समय में जो है, आज के दृष्टिकोण से हम सोचें, जब हम बड़े हो जाते हैं स्कूल छोड़ने के बाद हम दृष्टिकोण से सोचें, तो हम सोचते हैं
कि स्कूल छोड़ के जाने, स्कूल से घर पे जाने पे उतना खुश नहीं होने देना चाहिए, स्कूल आते समय खुश होना चाहिए, ताकि क्योंकि हमें कुछ स्कूल में आने पर ज्ञान मिलेगा, और जहाँ पे कुछ प्राप्त हो वहाँ पे तो खुश होना ही चाहिए ना। लेकिन तब क्या होता है, इसका विपरीत उल्टा होता है। क्यों होता है? क्योंकि वह हमारा बालपन होता है और हम एक प्रकृति के अंग से एकदम से क्लोजली जुड़े हुए होते हैं, इसकी वजह से ऐसा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। कराची में वर्षा बहुत कम होती थी, पूरे मौसम में अधिकतम 5 इंच, ठीक है, अधिकतम जो वहाँ पे बरसात होती थी मात्र कितने 5 इंच होती थी। यहाँ तो 100 इंच बरसात हो पूरे साल में तो भी कम कहा जाता है, लेकिन वहाँ पे केवल 5 इंच ही बरसात होती है, बताओ। ठीक है, मानसून के दौरान आकाश में बादल घिर आते थे, परंतु वह बादल बरसते बहुत कम थे, इसलिए जब कभी बारिश की फुहार भी पड़ती थी तो हम लड़के खूब मस्ती करते थे। ऐसे अवसर पर हमारी मस्ती देखने लायक होती थी। इसका एक कारण यह भी था कि स्कूल प्रबंधन उस दिन की छुट्टी घोषित कर देता था ताकि विद्यार्थी बारिश की फुहारों का खुला आनंद उठा सकें। बच्चों की वहाँ पे जो है बरसात बहुत कम होती थी, गर्मी ज़्यादा पड़ती थी, इस वजह से जो है बच्चे उत्सुक रहते थे कि कब बरसात हो और कब उन्हें वर्षा का आनंद मिले। और जिस दिन बादल घिराते थे या बरसात होने के चांसेस होते थे, स्कूल में छुट्टी कर दी जाती थी कि घर पे जाएंगे बच्चे और बरसात का आनंद लेंगे, बाहर निकलेंगे, बरसात में फुहारों का आनंद लेंगे और खुश होंगे, इस वजह से छुट्टी कर दी जाती थी। मैं हर रोज़ साइकिल से स्कूल जाया करता था, लगभग 2 मील की दूरी 15-20 मिनट में तय होती थी। उन दिनों जब शहर को विरले ही फुहारों का वरदान मिलता था, यह जानते हुए भी कि स्कूल बंद होगा, मैं साइकिल से सेंट पैट्रिक्स जाया करता था, केवल उस घोषणा का आनंद लेने के लिए जो मुख्य द्वार पर बड़े अक्षरों में बोर्ड पर लिखा होता था कि वर्षा के कारण आज स्कूल बंद है। क्या कहते हैं कि इन्हें पता होता था जब घर पे होते थे कि बारिश आज हो रही है तो स्कूल में छुट्टी होगी, लेकिन फिर भी इनकी उत्सुकता क्या थी कि स्कूल पे जाएं और वहाँ पे जो सामने लिखा हो बोर्ड उसको पढ़ें कि आज बरसात के कारण स्कूल बंद है। उसको पढ़ने के लिए, उसको देखने के लिए वो 15-20 मिनट साइकिल चलाते हुए रास्ता तय करते थे और स्कूल के सामने जाकर वो बोर्ड को पढ़ते थे। इतना महत्व था इनके जीवन में उस बरसात का। आगे बच्चों हम इस लेखक के बारे में जानते हैं, देख लेते हैं, वैसे मैंने बताया है आपको, फिर से ये देख लेते हैं। लालकृष्ण अडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची में हुआ था। पाकिस्तान के निर्माण के बाद उन्हें भारत में आकर बसना पड़ा। बच्चों आपको पता है जब भारत विभाजन 1947 में हुआ, रेड क्लिफ लाइन जब बीच में पड़ी भारत पाकिस्तान के, तो बहुत सारे ऐसे हिंदू मुसलमान थे जो भारत से पाकिस्तान या पाकिस्तान से भारत चले आए, उनका जीवन बर्बाद हो गया, उनके जो कुछ थे वह उजड़ गए। उस समय इतना दुख जो है व्याप्त हुआ था भारत और पाकिस्तान में कि जिसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती है, कितने घर उजड़ गए। बच्चों उसी में जो है भागकर लालकृष्ण अडवाणी जी भारत आ गए थे। आगे देखते हैं, 24 वर्ष की आयु में सक्रिय राजनीति से जुड़े, 4 बार राज्यसभा के और 6 बार लोकसभा के सदस्य चुने गए। इन्होंने अपने आप को जो है भारतीय राजनीति में एकदम सक्रिय कर दिया, अपने आप को एंगेज कर दिया, और वह जो है चार बार जो है राज्यसभा के सदस्य चुने गए और 6 बार जो है लोकसभा के सदस्य चुने गए। सूचना और प्रसारण मंत्री रहे। कई वर्षों तक लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता रहे। गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के पद पर भी इन्होंने कार्य किया और 1999 में सर्वोत्तम सांसद पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। तो ऐसे हमारे महान नेता लालकृष्ण अडवाणी जी अभी भी हैं। बच्चों इसके साथ ये चैप्टर पूरा होता है, इसको आप दोबारा रीडिंग करना, और इसके बाद में मैं आपको क्वेश्चन आंसर पीछे चलेगा,
धन्यवाद आएगा, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर चलेगा, उसको आप पॉज करके क्वेश्चन आंसर को आप लिखना मत भूलना। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा स्कूल जल्दी से जल्दी खुले, हम सभी एकत्रित हों, हम पढ़ाई करें, लेकिन जो है जब तक ऐसी स्थिति नहीं होती है तब तक हमें घर पर रहना है और सेफ़ रहना है, घर से कम निकलना है। बच्चों, ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये सारी चीज़ें जो है हमारा YouTube चैनल वशिष्ठ ग्रुप ऑफ विद्यालय पर भी आप देख सकते हैं। वैसे तो आपके घर नोटिफिकेशन आ जाता होगा, मैसेज आ जाता होगा पेरेंट के मोबाइल पर, लेकिन आप YouTube जब ओपन करें तो उस पर वशिष्ठ ग्रुप ऑफ विद्यालय नाम का चैनल है, वहाँ पर जाएँ, लाल बटन को दबाएँ, सब्सक्राइब करें, उसके बाद में एक बेल आएगी उसको दबाएँगे तो बजने की बेल होगी, तो उसको जब दबाएंगे आप तो पर डे जो भी वीडियो अपलोड होगा किसी भी क्लास का हो वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप इमीडिएटली उसको देख पाएंगे। तो चैनल का नाम क्या है? वशिष्ठ ग्रुप ऑफ स्कूल, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप सभी लोगों को धन्यवाद।